विज्ञासन में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अनुसूचित जाति के युवक जगदीश चंद्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह युवती से विवाह करने के बाद जगदीश चंद्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने शनिवार को नरेंद्र सिंह की गिरफ्तार की है। मामले में पुलिस 3 आरोपी परिजनों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी नंदन सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस खुलासे में जगदीश चंद्र के प्रेम विवाह करने के बाद परिजनों में रोष बना हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने नंदन सिंह और नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर जगदीश की हत्या का षड्यंत्र रचा था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जगदीश हत्याकांड में जैसे कि विवेचना हमारे क्षेत्र अधिकारी रानीखेत को दी गई थी और उनके द्वारा जो भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, कुछ CBR का एनालिसिस किया गया तथा मुलजिमों से का बयान लिया गया। मुलजिमों के बयान और कुछ अन्य चीज़ें ऐसी आई थी जिससे मालूम चला था कि जो इस घटना में 3 के अलावा कुछ लोग और हैं। नंदन सिंह का नाम सामने आया, एक और बंदा था नंदन का साथी नरेंद्र। नंदन के बारे में ज्ञात हुआ है कि नंदन की संदिग्ध परिस्थितियों में अगले दिन ही मृत्यु हो जाती है, उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। और जो नरेंद्र है, नरेंद्र को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है, उसको माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं।